बाहर की आवाज फुट से साके। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यार आज से कुछ हजारों साल पहले हमने अपना लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था, जो कि था कंपेयर इन 2019 BC बोले तो बिफोर कोरोना, और तब से आज ब्लॉग अपलोड किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई इतनी जल्दी क्यों अपलोड कर रहे हो, थोड़ा और टाइम ले लेते। तो बात ऐसी है कि यार कोइंसिडेंट हो गया, जब हमने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था अपना, उस टाइम पे था वो ब्लड डोनेशन वाला ब्लॉग, और उसी टाइम के आसपास मेरे स्कूटी में पंक्चर हुआ था, और वो पंक्चर आज फिर से हो गया। तुमने कहा यार अब जो है, तो हमने सोचा यार कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रही है, तो फिर ब्लॉग डालना चाहिए। बहुत ही वियर्ड एनालॉजी दी है हमने आपको, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई एक एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या सामग्री चाहिए आपको, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। तो वो सारी बातें बताएंगे कि इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है या नहीं है, अकेले आत्मनिर्भर होके भी आप एजुकेशनल ब्लॉग्स बना सकते हैं या नहीं, तो सारी जानकारी दी जाएगी आपको आज के ब्लॉग में। तो जल्दी से ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं मैक ब्लॉग्स। और राइट गाइज, यार तो देखो एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चाय। मतलब चाय, कॉफ़ी, शरबत, नींबू पानी, लस्सी, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं पूरे दिन के बाद अब लैब से लौटकर आया हूँ और मुझे बहुत थकान हो रही है, तो सबसे पहले एक चाय पी जाएगी, उसके बाद में वीडियो की शुरुआत होगी। तो आज हम वीडियो केमिस्ट्री का बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए चाय। अब क्वेश्चन आता है कि भाई चाय बनाएगा कौन, तो हमारे पास में सारी चीज़ों के जो है सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। देखो अभी चाय जादू से बन के आएगी। हे सीरी, कुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी, एंड बूम आ गई। देखा एकदम सीरी ने जो है चाय बना के दे दी है हमें, तो चाय तो हो गई है एकदम जादू से फिनिश। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रसोड़े में कौन था। और राइट गाइस, सो यार देखो अब हम काम की बात पे आते हैं फिलहाल, कि अगर आपको एजुकेशनल वीडियोस बनानी है तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो चीज़ आपकी लाइटिंग या फिर आपका माइक, आपका कैमरा, कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार आपका कॉन्टेंट, कि भाई अगर आप एक एजुकेशनल वीडियो है फॉर दैट मैटर कोई भी वीडियो बनाना चाहते हो, तो वो एक दमदार वीडियो होना चाहिए। फिर भले ही आपके पास कैमरा अच्छा हो या ना हो, माइक अच्छा हो या ना हो, ये सब कुछ सेकेंडरी आता है। तो हमारे पास है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ जो आज तक कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करती है, वो है हमारी NCERT। तो जैसे कि मैं केमिस्ट्री की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उसके मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसको मैंने पढ़ के बहुत ही शॉर्ट में अपने ऐसे एक नोट पैड में लिख लिया है। जो नोट्स तो नहीं है, बट इतना है कि मैं उनको देख लूँगा तो मैं खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए, कि भाई अगर आप एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो उसको, और पढ़ के खुद से क्वेश्चन पूछो कि भाई जो आपने पढ़ा उस पर और क्या हो सकता है, कुछ आप इसको और सिंपल वे में समझा सकते हो, या फिर कुछ और उसमें आप नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हो। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात। कंटेंट के साथ साथ आपकी शक्ल भी अच्छी दिखनी चाहिए कैमरा पर, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है वीडियो बनाने से पहले मुंह धो के आना। तो मैं जल्दी से आता हूँ। हाँ हाँ जी, मुंह धो लिया। मुंह धोने के बाद में जो है फिर उसके बाद में बहुत सारे आपके सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी हो सकते हैं आपके पास में। मेरे पास में मोस्टली सामान एक्सपायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा उनको यूज़ नहीं कर पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ तुम लोगों के लिए दिखाता हूँ। देखो क्या क्या किया मैंने। हाँ जी, तो आप लोगों के लिए हमने लिया था ये क्रीम, पता नहीं कितने 3 साल पहले, अब तो उसकी जो है वो आउटर पैकिंग भी हट गई है, पता नहीं एक्सपायर्ड हुआ है नहीं हुआ है। 2021 में एक्सपायर्ड हुआ, 2018 का खरीदा हुआ है, 2021 में एक्सपायर्ड होने वाला है। इतना छोटा सा क्रीम, इसको मैं अभी तक फिनिश नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद में मैंने एक बार बहुत ही जोश में आके जो है ये ले लिया था बालों का जेल। ये भी देख रहे हो आप, जो है आधा ही मुश्किल से खर्च हो पाया है, और ये भी आई थिंक एक्सपायर्ड तो हो ही गया होगा। हाँ जी ये 1 साल पहले ही एक्सपायर्ड हो चुका है। और तीसरी एक और ये क्रीम लिए, तो नहीं ये हमें गिफ्ट की गई है, पता है ना बहुत चाहने वाले लोग हैं अपने। हाँ जी, तो ये अभी तो उनको फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बचने ही नहीं, ये वाली बची है 2021, ये इसको फेंकना पड़ेगा। तो मतलब फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग, यार मैं ज़्यादा सारी चीज़ें कर नहीं पाता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर भी कुछ प्रॉपर एटलीस्ट मूव धो के या फिर नहा के बढ़िया से वीडियो बनाई जाए, ताकि आपको वीडियो बनाते हुए कोई आपकी शक्ल देखी ना बोले कि यार कौन ये इंसान है सोते सोते वीडियो बना रहा है, यार पता चला इसकी शक्ल भी कितनी ख़राब दिख रही है। तो वो थोड़ा कर लेना। बालों का अपने साथ में बहुत प्रॉब्लम है यार, मैं बाल काट 1 मिनट में लेता हूँ, लेकिन ये क्या होता है, तुमने देखा होगा कि जब भी वीडियो स्टार्ट होती है हमारी, तो बाल एकदम बहुत बढ़िया से दिखेंगे तुम्हें, और ज़्यादा नहीं थोड़ी 15-20 मिनट वीडियो चलेगी, उसके बाद उनकी बैंड बची जानी है। तो अभी तक मैं इतना प्रो नहीं हुआ हूँ कि अपने बालों को कैसे रोक पाऊँ, बहुत सारा ट्राई किया, मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ये सब ये जेल वेल लेके, लेकिन
फिलहाल तो कुछ होता नहीं है क्योंकि यार इतना पहले पसीना आ जाता था कि वो पूरा जेल लग रहा है, पता नहीं पसीना और जेल का बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन हो जाता था कुछ तो गाइस फिर भी मतलब ये कहने का मतलब पूरा तात्पर्य ये है कि भाई थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें आपको ऐसी रखनी पड़ेंगी ताकि आप कैमरा के सामने अच्छे लगो। अब जो बात आती है वो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स कि आपके पास में क्या क्या जो है कि आपके जो है यंत्रों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो भाई ऑब्वियसली आपको वीडियो बनाना है तो आपको चाहिए एक कैमरा। अब कैमरा तो दोस्त एक DSLR भी हो सकता है, एक उससे बड़ा भी प्रोफेशनल कैमरा हो सकता है या फिर एक आपका सिंपल सा मोबाइल भी हो सकता है। मैंने शुरुआत मोबाइल के साथ में की थी, फिलहाल आजकल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो वो धीरे धीरे आप अपग्रेड करोगे, जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे ठीक। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास में जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपको उनका बेस्ट निकालना है। अब उनका बेस्ट आप कैसे निकाल सकते हो, वो है जुगाड़ करके। तो जुगाड़ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। जैसे कि आप देखो मेरे पास में एक बोर्ड है जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड अपना पुराना है, इससे पहले भी एक बोर्ड हुआ करता था छोटा वाला, फिर तुम लोगों ने कंप्लेंट किया यार छोटा बोर्ड है तो उसको हटा के हमने दूसरा वाला लाए। ये भी ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, थोड़े टाइम में हो सकता है ये भी चेंज हो जाए। तो आपके पास में एक चाहिए बोर्ड, अब आपके अकॉर्डिंग कि वो कैसा भी हो सकता है छोटा बड़ा। उसके बाद में जो है आपको चाहिए एक ट्राईपॉड, क्योंकि यार अगर आपके पास कैमरा पर्सन कोई नहीं है तो, मैं कैमरा पर्सन इसलिए बोल रहा हूँ, कैमरा मैन बोलना बहुत ख़राब लगता है क्योंकि हर जगह हम लोग मैन 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 घुसाते रहते हैं, एक कैमरा के पीछे एक वुमेन भी हो सकती है ठीक है। तो कैमरा मैन नहीं, तो आपके पास में एक जो है ट्राईपॉड होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास में कौन है, मेरे पास में है एक कैमरा पर्सन, बिहाइंड द कैमराज कौन है वो कैमरा पर्सन नहीं, वो एक्चुअली हमारे भाई साहब ट्राईपॉड ही हैं। तो इनको ही यूज़ करके जो है वीडियोस बनाई जाती है। तो आपको एक चाहिए ट्राईपॉड। अब ट्राईपॉड यार बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हो। जो ट्राईपॉड मैं यूज़ करता हूँ उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उसको विजिट करके खरीद सकते हो। अब गाइस ट्राईपॉड हो गया, कैमरा हो गया, कैमरा मतलब मोबाइल या कैमरा कुछ भी आप मान लो। उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है माइक। ऑडियो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार को ये होता था कि अगर मेरी वीडियो अच्छी ना हो तो भी चलेगा, बट मेरी आवाज़ जो है ना वो अच्छी आनी चाहिए। और ऑडियो जिस भी चीज़ से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे अगर आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑडियो कभी भी अच्छी आएगी ही नहीं, आप मेरी बात लिख के ले लो। तो आपके लिए तो आपको चाहिए कोई ना कोई माइक। अब माइक बहुत सारे सस्ते सस्ते भी मिलते हैं मार्केट में, 300-400 ऐसे रुपए का भी मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा अच्छा लोगे तो 700-800 रुपए वाला माइक बहुत डिसेंट होता है यार। आपको कोई बहुत ही प्रोफेशनल रोड वोड वाले 20-30 हज़ार के माइक की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी बजट बड़ा हो जाएगा तो हम भी खरीदेंगे, हमारा भी सपना है कि बहुत बढ़िया सा माइक खरीदने का, लेकिन फिलहाल जो भी अभी माइक है वो सही है। तो इस तरह के आपको काफ़ी सस्ते माइक अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखो जुगाड़ में क्या करता था, जैसे जब मैं मोबाइल से वीडियो बनाता था ना तो मेरे पास में एक स्पेयर मोबाइल था, क्योंकि जो मैंने माइक लिया था वो एक्चुअली बहुत छोटा था, वो शायद उसकी 1 या 2 मीटर की ही कॉर्ड थी। तो अब आप बिल्कुल पास में रख के तो वीडियो शूट नहीं कर सकते, आपको भाई पीछे बोर्ड भी लेकर आना है। तो मैं क्या करता था, जो स्पेयर मोबाइल था ना उसमें वो माइक लगा के और अपने कॉलर पे फिट कर लेता था, तो वो मेरी आ जाता था पॉकेट में, और दूसरा सामने कैमरा रिकॉर्ड करना होता था। तो मेरी वॉइस दो जगह रिकॉर्ड होती थी, एक वो सामने वाले मोबाइल में और एक मेरे वाले मोबाइल में, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करता था और बाद में वीडियो एडिटिंग के टाइम पे उसको ओवरले कर देता था। जब नया नया था वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी तो लोगों को एक्चुअली डबल आवाज़ आती थी, एक तो जो मोबाइल ने रिकॉर्ड की होती थी रिकॉर्डिंग करने वाले, और दूसरा जो मैं माइक के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा होता था, तो लोगों को लगता था कि कोई तो मुझे बता रहा है और मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। एनीवेज गाइस बहुत तेज बाहर यार एकदम से बिजली चमक रही है। हाँ तो ये है माइक, तो माइक भी आप देख सकते हो, मैं फिलहाल बोया का यूज़ कर रहा हूँ, कॉलर वाला भी और एक जो कैमरा के ऊपर लगा है वो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। बट एक माइक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में बजट कम है तो मैं बोलूँगा एक सस्ता सा ट्राईपॉड ले लो, 700-800 रुपए का मिल जाएगा। एक सस्ता सा माइक ले लो, चाहे तो 300-400 वाला ले लो, या बहुत सही चाहिए तो आप 700-800 रुपए का एक माइक ले लो। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, मोबाइल में मान के चल रहा हूँ कि आज के टाइम पर आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास में मोबाइल है ही, और एक चाहिए आपको बोर्ड की ज़रूरत। तो फिलहाल ये मोटी मोटी चीज़ें हमने कवर अप कर ली। अब जो लास्ट चीज़ है जो अगेन इंपॉर्टेंट है वो है लाइट्स। तो कैमरा आप कोई भी ले आओ, DSLR ले आओ एकदम खतरनाक सा, विदाउट प्रॉपर लाइटिंग आपको वो इफेक्ट नहीं मिलने वाला है वीडियो में। तो ये आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने इतना सारा ऑप्टिमाइजेशन किया है ना यार कि कभी लाइट इधर लगाई, कभी इधर लगाई, कभी बड़ा सा LED बल्ब खरीद के लेकर आए। तो फाइनली देखो क्या हुआ,
आप लोगों के पास में टाइम हो तो आप पढ़ना, एक होता है 3-point लाइटिंग सिस्टम, जो प्रोफेशनल लाइटिंग सिस्टम होता है वो होता है 3-point, मतलब एक लाइट आपकी इधर होती है, एक इधर होती है, एक पीछे से खोपड़ी पे आ रही होती है, मतलब जो पीछे से यहाँ पे पड़ती है। तो वो आप किसी भी मतलब कोई प्रोफेशनल वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे जो शोल्डर पे लाइट होती है एकदम से चमक रही होती है अलग कलर की, या बालों पे आ रही होती है। हमारे पास ओबियसली नहीं है यार, हम इतने प्रोफेशनल नहीं हुए अभी तक। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो कि जैसे भी आप वीडियो बना रहे हो तो आप वो उन्होंने अलग अलग डायरेक्शंस में जो है लाइट्स को लगा सकते हो और वहाँ से आप एक अपना प्रॉपर एडजस्ट करके कर सकते हो। अब मेरे पास इस रूम में क्या दिक्कत है यार कि मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइट है जो कि ऊपर लगी हुई है और बोर्ड मेरा वो है। तो यहाँ पे यार बहुत दिक्कत होती थी मुझे जो है एक प्रॉपर लाइट लाने में। और फिर वहीं पे यार हमारी हेल्प की एक हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड ने, वन ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, और उन्होंने हमें क्या गिफ्ट किया, उन्होंने हमें गिफ्ट की है रिंग लाइट जो कि आप देखो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप समझ रहे हो, तो जो हमारा चैनल है यार वो एकदम लोगों के प्यार से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक अकेला मैं ही हूँ जो सब कुछ कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, आप भी हो, कि आपकी भी सजेशन से कितनी सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट होता है। तो फिलहाल ये लाइट अभी हमें गिफ्ट में मिल गई है तो अपना काम बहुत आसान हो गया है। तो ये लाइट को हम बढ़िया से यूज़ करते हैं। अब बस दिक्कत क्या होती है यार ये इस लाइट की, आपने देखा होगा कि आजकल मैं चश्मा नहीं लगा रहा हूँ वीडियोस में, क्योंकि जैसे कि अगर ये मेरे सामने होती है ना तो आपको दिखता है कि मेरी आँखों में एकदम जो है ना सर्कल्स दिखने लगते हैं गोल गोल। तो मैं मोस्टली अब जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो क्या करता हूँ, इसको ऐसे चश्मे को हटा देता हूँ। तो भले ही मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है कि मेरे कैमरा में क्या चल रहा है, कभी कभी वीडियो स्टॉप भी हो जाती है, तो फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ उसका। बट वही दिक्कत है इस लाइट का कि आप चश्मा लगाओगे तो आपका ये हालत हो जाएगी ऐसे। तो भाई चलो चश्मा उतार देते हैं यार, ये फिर से दिख रही है। तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है एडिटिंग की प्रोसेस। तो यार एडिटिंग की प्रोसेस अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना बजट है। मोस्टली जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो बहुत ही हायर एंड सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी महंगे आते हैं। अपने पास में उतना नहीं है, मतलब ठीक ठाक एक लैपटॉप है तो वो आजकल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसकी मैंने बैंड बजा दी है वीडियो एडिट कर करके, उसका जो है ग्राफिक्स कार्ड ऑलमोस्ट उड़ गया है। तो फिलहाल आजकल मैं आईपैड यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए जो कि काफ़ी अच्छा है, बट देन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि फ्री वाले सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाए, जब जो काम आपका फ्री में हो रहा है तो उसको पैसे देने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप डाविंची प्रो यूज़ कर, डाविंची रिजॉल्व यूज़ कर सकते हो, आप हिट फिल्म एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हो। ये दोनों कम्प्लीटली फ्री है, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे काइन मास्टर और फिल्मोरा वगैरह यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे वो क्या करता है यार, फिर वाटरमार्क देता है या फिर क्रैक्ड वर्जन। तो क्रैक्ड वर्जन तो मैं ओपनली तो नहीं बोल सकता तुम लोगों को डाउनलोड करने के लिए कि आप जो है ना एडोबी का प्रीमियर प्रो का क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर लो, बट यस। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप बड़े वीडियोस बना रहे हो तो यार कोशिश करो कि लैपटॉप पे ही उनको एडिट करो या कंप्यूटर पे करो, वो और ज़्यादा अच्छा है। लैपटॉप से भी ज़्यादा अच्छा है एक पीसी पे एडिट करना, जो कि मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रेफर करो पीसी पे एडिट करने के लिए, क्योंकि एडिटिंग का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है यार, और उसके लिए एक पीसी ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अ लैपटॉप। तो गाइस इतना सब कुछ करने के बाद में जो है आप वीडियो अपलोड कीजिए और जो है शिद्दत से लगे रहिए, आपके ऑडियंस आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे कैसे जाना है। और अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो ट्रस्ट मी आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे। बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं कि हमने वीडियोस बनाए जा रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, तो सब्सक्राइबर मिलेंगे यार। YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर है ना वही आपको इतना शेयर करेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि इनिशियली यार मैंने कुछ अपने दोस्तों को वीडियोस शेयर किए थे, उसके बाद में फिर तुम लोगों ने बढ़ाया, अब ये ब्लॉग वाले चैनल को कौन आगे बढ़ाएगा? तो भाई तुम लोगों को ही तो बढ़ाना पड़ेगा, और कौन बढ़ाएगा। तो विद दैट आई होप कि मैंने आपको एक काफ़ी अच्छी समरी दे दी है एक इस ब्लॉग में कि आपको, अगर आप एक एजुकेशनल वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और नए चैनल के सब्सक्राइबर देखिए खुशी हो रही है, मतलब सब्सक्राइबर कितने ही हुए हैं, अभी तो 400 भी नहीं हुए, बट प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो शेयर करना आगे के पास में यार। आगे की वीडियोज़ में मेरे पास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ है दिखाने के लिए, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें खरीदी है, बहुत सारे मैं नए काम ट्राई करने जा रहा हूँ, तो सब कुछ वो इस ब्लॉगिंग वाले चैनल पर ही आने वाला है, कब आने वाला है वो पता नहीं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा अगली वीडियो आ गई। ठीक है गाइस, चलो तो यहाँ पे ही रुकते हैं। आई होप आपको हमारा ये थोड़ा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा। तो गाइस बस यार खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपने चाहने वालों का ख्याल रखो, और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना कि तुम्हें आगे बढ़ने से अगर कुछ चीज़ रोक सकती है ना, दुनिया की एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है, वो है तुम खुद।
मतलब मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने टर्म में बोल रहा हूँ कि मुझे कोई अगर आगे बढ़ने से रोक सकता है तो वो है खुद मेरी थिंकिंग, कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, किसी को कैसा लगेगा, कोई मुझे जज करेगा। अरे कर रहा है कोई तो करने दो, ठीक है। जस्ट कम्पीट विद योर सेल्फ, फाइट विद योर इनर सेल्फ। जिस दिन आप अपने इनर सेल्फ से फाइट करना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया में आप सारा काम कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। तो गाइस बस यहाँ पे रुकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये व्लॉग बना के। होप टू सी यू सून। तब तक खुश रहो, मजे करो और थोड़ा आईपीएल भी देख लो। हे सीरी, कुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी? आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। इज देयर समथिंग एल्स आई कैन हेल्प विद?